अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं एक कंपैरिजन वीडियो बनाने जा रहा हूँ इन दो एनर्जी ड्रिंक्स के दरमियान। एक है स्टिंग येलो कलर में और दूसरी है रोर। मैं स्टिंग के साथ भी कंपैरिजन लाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं कहूँ बैटल ऑफ दी ब्रांड्स करूँ। बैटल ऑफ दी ब्रांड्स फ्रॉम, ये है स्टिंग पेप्सी की प्रोडक्ट और ये रोर है कोका कोला की प्रोडक्ट। तो आज हम इस बैटल ऑफ दी ब्रांड्स में देखते हैं कि कौन विनर है। ये कंपैरिजन वीडियो है। आप लोगों की बहुत फरमाइश थी कि आप कंपैरिजन वीडियो बनाया करें, तो आज ये आपके सामने एक कंपैरिजन वीडियो है। तो हम आज कंपेयर करने जा रहे हैं जी। तो नाज़रीन, आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ आप नियो फूड रिव्यूज़ को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। इन दोनों में से मैं सबसे पहले स्टिंग को ओपन करता हूँ और इसको मैं टेस्ट करके बताता हूँ। इसका कलर तो बाहर से ही जाहिर है, लेकिन मैं इसका कलर देखने के लिए बड़ा एक्साइटेड हूँ कि इसका कलर कैसा होगा, क्योंकि इसका तो हमें नज़र आ रहा है कि येलो कलर है। तो ये अंदर से देखनी पड़ेगी। इसके बाहर से इन्होंने 240 ml लिखा हुआ है, लेकिन इसके बाहर से इन्होंने 250 ml लिखा हुआ है। तो ये आप यहाँ से देख भी सकते हैं कि ये यहाँ तक भरी हुई है, लेकिन ये फुल यहाँ तक भरी हुई है। तो इसका जो मार्क्स जाएगा वो इसको जाएगा, रोर को, कि ये थोड़ी सी कम होती है कि थोड़ी सी ज़्यादा होती है। किजिंग के ऊपर बता दूँ, इन दोनों ने ऊपर से लिखा हुआ है क्वालिटी प्रोडक्ट। इन्होंने यहाँ लिखा हुआ है क्वालिटी प्रोडक्ट बाय पेप्सी कोला, और यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है क्वालिटी प्रोडक्ट बाय कोका कोला। तो इस वजह से ये बैटल ऑफ दी ब्रांड्स मुझे लग रही है, और बिल्कुल इक्वली टक्कर की प्रोडक्ट लग रही है। मेरी एक्सपेक्टेशंस दोनों से बड़ी हाई हैं। तो देखते हैं, मैं रेड वाली स्टिंग, इसमें एक रेड कलर भी आता है, तो मैं कभी उसका भी रिव्यू लाऊंगा, लेकिन उसकी कंपैरिजन होगी एक दूसरे एनर्जी ड्रिंक के साथ। तो देखेंगे कि वो कैसा है। तो अभी मैं येलो वाली स्टिंग को ओपन करता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, इसने गैस की आवाज़ निकाली। यहाँ से ये पता चलता है कि ये एक कार्बोनेटेड ड्रिंक है। तो इसको मैं ग्लास में इंसर्ट करता हूँ। नाज़रीन, ये एक बिल्कुल ही गैसियस ड्रिंक है और लाइट येलो इसका कलर है। नाज़रीन, इसका यूँ एक बबल गम किस्म का टेस्ट आ रहा है, बहुत यूनिक सा टेस्ट है। इसका जो टेस्ट है ना, वो रेड वाली जो स्टिंग होती है उससे काफ़ी मुख्तलिफ है। एक फ्रूटी किस्म का ना, मतलब बबल गम किस्म का टेस्ट है, बहुत अच्छा टेस्ट है। और इसको मैं अच्छा रेट करूँगा काफ़ी, लेकिन मार्क्स कितने मिलेंगे ये देखने के लिए आपको रोर का इंतज़ार करना पड़ेगा कि मैं रोर को ज़्यादा बेहतर ट्रीट करूँगा या इसको। नाज़रीन, ये जो स्टिंग है, ये जैसे मैंने थोड़ी देर रख के ना, थोड़ी देर की बात है, तो मुझे थोड़ी कड़वाहट सा टेस्ट आया, जैसे उसने अपना टेस्ट बदल दिया हो। तो ये मुझे इस स्टिंग में फील हुआ। हालांकि ये मुझे रेड वाली स्टिंग में फील नहीं होता, लेकिन ये येलो वाली स्टिंग क्योंकि बहुत नायाब है, बहुत कम मिलती है, हर जगह से मिलती भी नहीं है, और ख़ास कर इस पैकिंग में मैंने फ़र्स्ट टाइम ही देखी थी, तो इस वजह से मैं आपके लिए लेके आया था। तो ये जो है ना, ये मुझे थोड़ा सा टेस्ट इसका चेंज हो गया, थोड़ी कड़वाहट टाइप फील आने लगी। ये पता नहीं क्यों हुआ, ये मुझे समझ में नहीं आया। तो इसकी वजह से मैं इसके 2 मार्क्स काटूंगा, लेकिन मैं इसको ना रोर के साथ कंपेयर करूंगा, देखते हैं कि वो भी टेस्ट चेंज करती है कि नहीं। ये तो नाज़रीन, ये रोर है, इसकी मतलब पकड़ने में फील ही उससे ना बिल्कुल अलग है। ये जो है ना, ये पुराने ज़माने की, जैसे अपने बॉटल्स देखी हों, उस किस्म की क्लासिकल लुक बनाने की इन्होंने कोशिश की है। और इसके ऊपर ना इंग्रेव्ड है, ये जो रोर का लोगो है ये ना इंग्रेव्ड हुआ हुआ है, और ये बहुत अच्छी फील दे रहा है। तो देखते हैं इसका कलर क्या है। मैं इसके कलर के लिए ना बहुत एक्साइटेड हूँ, तो देखते हैं कि इसका कलर कौन सा है। अरे वाह, ये देखें, इसका कलर भी येलो है, लेकिन इसका शेड डिफरेंट है। ये देखें, वो उसने मेरा ग्लास फिल नहीं किया था, ये आप देख सकते हैं, इसने ग्लास मेरा तकरीबन फिल कर दिया है, लेकिन
अभी भी इसमें बॉटल में भी ड्रिंक बची हुई है, तो ये क्वांटिटी में तो उससे ज़्यादा ही है, देखते हैं कि क्वालिटी में उससे ज़्यादा है कि नहीं। पर इसका कलर ना उसके जैसा नहीं है, वो बिल्कुल येलो था, और ये जो है ना ये थोड़ा मतलब यूँ ऑरेंज टाइप है, जिस तरह एप्पल का एप्पल के जूस का होता है उस तरह का इसका कलर है। ये आप देख सकते हैं लाइट ब्राउन ऑरेंज टाइप इसका कलर है। तो मैं अब ये ट्राई करने जा रहा हूँ। नाज़रीन, इसका टेस्ट उससे बहुत मुख्तलिफ है। ये मुझे लग रहा था कलर एक जैसा होगा, तो कलर तो तकरीबन एक जैसा है, लेकिन टेस्ट में ये उससे काफ़ी मुख्तलिफ है। उसमें थोड़ी फ्रूटी और यूँ बबल गम टाइप टेस्ट था, इसका भी बबल गम टाइप टेस्ट है, लेकिन काफ़ी डिफरेंट है। इसमें एप्पल फ्लेवर नुमाया है, तो ये मुझे लगता है ये एप्पल फ्लेवर की है। तो मैं इसको थोड़ी देर रख के देखता हूँ कि ये थोड़ी देर रखने के बाद अपना टेस्ट चेंज करती है कि नहीं। फ्यू मोमेंट्स लेटर। जी तो नाज़रीन, इसका ना इसने एंड तक अपना टेस्ट बिल्कुल नहीं बदला, इसका टेस्ट बिल्कुल बरकरार रहा। तो इसमें जो है ना इसकी मिठास भी ज़्यादा है, वो मैंने शायद आपको बताया कि ना इसकी जो एप्पल फ्लेवर था इसमें, तो इस वजह से जो है ना मतलब मिठास इसकी ज़्यादा है, तो ये उससे मीठा भी ज़्यादा था। तो इसको मैं मार्क्स दूंगा 10 में से 9, और उसको जो स्टिंग होगी उसको 10 में से 8। तो मेरे हिसाब से जो विनर है दैट इज़ रोर। तो ये था हमारा आज का रिव्यू। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करें, और दोस्तों के साथ ये वीडियोस शेयर भी करें ताकि मैक्सिमम लोग इस कंपैरिजन वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। तो बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।